यह वीडियो 18 प्लस होने वाली है, तो अगर आप अभी अभी अंडे में से बाहर निकले हैं तो कृपया कर इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं और पढ़ाई लिखाई करके देश को संभालें। धन्यवाद। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग वीडियो छोड़कर गए नहीं होंगे। रात कम तो हो नहीं, तुमने जो देख कर आए उसी साल। हाँ, वो भी बात है कि मैंने क्या था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम लोग इस पार्ट को देखने के लिए यहाँ पर आए हो तो डायरेक्ट इस टाइमलाइन पे आ सकते हो। और अगर तुम इसको सच में देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, इसके बारे में इसकी रिव्यू लेना चाहते हो, तो देखते रहो आगे वीडियो। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि तुम्हें इसे क्यों देखना चाहिए, क्या है इसमें और कैसा हो सकता है ये। तो पहली बात तो ये कि ये सीरीज़ 18 प्लस है, और अगर तुम लोग 18 प्लस नहीं हो तो मत देखो यार, बहुत ज़्यादा ही बोल्ड है। और इसका खासकर सेकेंड एपिसोड तो बहुत ज़्यादा, अगर सोच रहे हो कि फैमिली के साथ देख लेंगे थोड़े बहुत बोल्ड चीज़ें, तो तुम ख़त्म भाई, तुम ख़त्म होने वाले हो। तुम्हें बस मुक्ति मिलने वाली है दुनिया से। क्या मतलब कि मैं 16 साल का डाउनलोड करने जाता था तो क्रोम भी भगा देता था कि तू अभी बच्चा है, लेकिन हम लोग भी हरामी कम तो है नहीं, अलग अलग अकाउंट से आते थे। और अब मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रिक सिखाने नहीं बैठा हूँ कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ कि क्या थी ये सीरीज़, क्यों थी ये सीरीज़ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, याद आएगा तो बता दूंगा। और हाँ, इसका थर्ड सीजन का ट्रेलर भी आ चुका है। जिसका रिव्यू जल्दी आ जाएगा शायद। बहुत आलसी हुई यार मैं। इसके हर एक एपिसोड में अलग कहानी है। अगर तुम फर्स्ट को देख के सेकंड देखने जा रहे हो तो मत जाओ, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड में अलग कहानी है, तुम उससे रिलेट नहीं कर पाओगे और करना भी मत, क्योंकि वो अलग कहानी है। और तुम इसको ऐसे देखना कि हॉलीवुड तुम्हें आगे क्या दे सकता है, क्या स्टोरी हो सकती है आगे में, और कैसे कैसे स्टोरी लाइन वो लोग थिंक कर रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं आगे फ्यूचर के बारे में, कैसी स्टोरीज तुम्हें मिल सकती है नेटफ्लिक्स से, ये तुम उम्मीद कर सकते हो उनसे। या तो मैं ही शायद थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, या तो शायद से आगे इनकी सीक्वल्स भी आ सकते हैं, या फिर अलग से मूवीज़ भी आ सकती है, सीरीज़ भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, शायद मैं ही सोच रहा हूँ। या तो शायद से नेटफ्लिक्स सिर्फ इसको फ़न के लिए बना रहा है ताकि वो अपनी ऑडियंस को इंटरटेन रखे, उसे अपने ऐप से जोड़े रखे, ताकि अगर कुछ नया कभी भी रिलीज़ हो तो वो लोग उसको सस्पेंस में आके देखे कि हो सकता है कि वो उससे कनेक्ट हो जाए, इसीलिए वो इन्हें पार्ट पार्ट में करके शायद रिलीज़ कर रहा है। और कुछ और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी बता के काम करते हैं यार, मैं भी एक मेंबर ही हूँ। देखेंगे नेटफ्लिक्स क्या करता है, उसके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं, क्योंकि हम तो चूतिए हैं। मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है, तो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम मेरी तारीफ सुन के इसको देखने जा रहे हो तो मत जाओ, क्योंकि मैंने इसको देखा है, मुझे जो लगा मैंने बोला, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ या तुम्हें ये अच्छा ही लगे। मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन में लेके मत जाओ, एक्सपीरियंस के लिए जाओ, कि मतलब तुम्हें मज़ा आएगा तो अच्छी लगेगी और नहीं आएगा तो बुरी लगेगी, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या लगेगी मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी। और तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोग स्किप करके इस पार्ट में डायरेक्ट आए या नहीं, और आए तो क्यों आए और नहीं आए तो क्यों नहीं आए। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखना ना भूले पायरेट्स ऑफ एनिमे। लोग करते हैं बातें पर मुझसे बोलते नहीं, वो देखते हैं सब पर मुझको देखते नहीं, मैं जाता हूँ जहाँ भी कोई टोकता नहीं, वो गली का कुत्ता अब मुझ पर भौंकता नहीं, ना ही खेलता है कोई भी अब मेरे
साथ ना बुलाता है कोई, चाहे हो बर्थडे और बारात। मैं एप्पल को खाने से पहले काटता नहीं, और दिल की बातें किसी से अब बांटता नहीं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई भी नहीं। मैं शहर में हूँ और भीड़ भी है, पर कोई भी नहीं। यहाँ